आज हम अगर बात करें अपने पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम की, तो आज भी पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम वो ही ब्रिटिश का है। आज भी इसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं की। तो पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम अगर दुनिया के किसी मुल्क के साथ कंपैरिजन करें तो किसके साथ हो सकते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? मौजूदा हालात को देखते हुए तो इस निज़ाम का आज़ाद कश्मीर भी हमसे जाएगा, मकबूजा कश्मीर तो हमारा है ही नहीं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है। जो कश्मीर एक टाइम पे पाकिस्तानी आतंकवादियों के कब्जे में आ चुका था, वहां पे 370 हटने के बाद से काफ़ी बदलाव आ चुका है। एक टाइम वहां के लोग बाहर जाने से डरते थे, बाहर के लोग कश्मीर में आने से डरते थे। इनफैक्ट वहां पे रह रहे लोगों को मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिलती थी। आज वहां पे 5G भी पहुंच चुका है। और वहीं पे इंडियन रेलवे की बात की जाए तो इंडियन रेलवे भी वहां पे काफ़ी तरक्की कर रहा है। और अब रिसेंटली इंडियन रेलवे ने इलेक्ट्रिक ट्रेन भी वहां पे लॉन्च कर दिया है। इस खबर के आते ही पाकिस्तान में इस बारे में काफ़ी चर्चा हो रहा है। इंडियन कश्मीर के डेवलपमेंट को पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से जोड़ के देख रहे हैं। जहां एक ओर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों को सही से खाना नसीब नहीं हो रहा है, वहीं पे इंडियन कश्मीर के लोगों को वो सारी अच्छी सुविधाएं मिल रही है जो एक बड़े शहर के लोगों को मिलता है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या बात करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो रेलवे मैसिव रिकॉर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया ने कायम किया है। हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हर एक चीज़, हर एक सेक्टर के अंदर हमें या दुनिया को बीट कर चुका है और अभी इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है। क्या पाकिस्तानी आवाम इस चीज़ पर अपनी राय देती है और क्या वो इस चीज़ को मानती है? तो चलते हैं उनकी तरफ, उनसे उनकी राय लेने के बाद मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर, आज का इसका क्वेश्चन मेरा आपसे ये, अगर हम बात करें इस टाइम सिनेरियोज की, तो हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। क्या वजूहत है? ना सिर्फ एक सेक्टर, दो सेक्टर, बल्कि ओवरऑल सेक्टर्स में देखे आज हम दुनिया को कहीं भी साथ खड़े हो पा रहे हैं, ना लीड कर पा रहे हैं, बल्कि पीछे ही मूव करते जा रहे हैं। क्या वजूहत है? इसकी दो वजह है। एक तो हमारे सियासतदान करप्ट है, नंबर एक। नंबर दो, हमारे पास लिटरेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है। दो वजह, बस यही दो वजह। सही बात है। सर, अगर हम बात करें आज ब्रिटिश दौर की, ये हम स्ट्रक्चर देखें तो भी नज़र आता है, रेलवे देखें तो भी नज़र आता है कि हम लोगों ने उनको मतलब रिन्यू नहीं किया, इनोवेशन नहीं की, उसको बिल्कुल भी वैसे ही रखा हुआ है आज से जैसे पुराना था। अब बात करें जब हम निकले इंडिया से, सर आज दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं चीज़ों के अंदर, वो आज हम अपनी मिसाल ले लें तो हम किस चीज़ पर रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं? उनका आज रेलवे मैसिव रिकॉर्ड कायम कर गया, सर हमारा रेलवे आज भी देख लें। हम दुनिया से जो है ना, खास करके ब्रिटिश और चाइना से 100 साल पीछे हैं। उनका ट्रैवल जो है ना, हमारे यहाँ 12 घंटे का ट्रैवल होता है ना, वो मैं खुद चाइना में कहता हूँ 2 घंटे 10 मिनट में पहुँचता हूँ। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बेसिकली हमने तवज्जो ही नहीं दी है। बेसिक जो हमने चीज़ें हैं ना, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे कोई तवज्जो नहीं दी। ट्रेडिशनल जितनी भी बिल्डिंग्स होती ना, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड संभाल के रखते हैं। हमारे यहाँ क्या है उसको, बस समझ लें आप। क्या वजूहत है? क्या प्रायोरिटीज़ हमारे पास नहीं है? क्या हम लोग पाकिस्तान को पाने का मकसद ये था जो आज हम ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या वजूहत आपको लगती है? बेसिक एक ही वजह है कि जो हमारे सियासतदान आते हैं ना, वो लग्जरियस लाइफ जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है। बराक ओबामा जो है ना, उसको भी देख लें, उसने 3 सूट के अंदर अपना 5 ईयर्स का टेन्योर पूरा किया था। हमारे सियासतदान क्या करते हैं उनको देखें, हमारे लोग क्या करते हैं। ये ब्रिटिश बरतानिया में जाके जो नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनके बाप की जायदाद है, ये पाकिस्तान अवाम की जायदाद है। टैक्स चोर है हमारे यहाँ के लोग, जब टैक्स नहीं देंगे हम आगे कहाँ से निकलेंगे? मुशर्रफ को देखें वो भी बाहर गया, नवाज शरीफ को देखें वो भी बाहर गया। क्या आपको लगता है कि ये जो अभी लाइक हुकूमत कर रहे हैं, क्या ये भी बाहर जाएंगे या फिर यहाँ से अभी और पैसा कमाएंगे? उनका आखिरी स्टेशन बाहर जाना ही है, और कोई है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। इसलिए कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, हमारे यहाँ कोई लॉ है ही नहीं। आज हमारे जज साहब कोई ऑर्डर करते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। क्या लॉ नहीं है हमारे यहाँ, कैसे हम तरक्की? अगर फॉर एग्जांपल मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो गया तो इन्होंने अपनी स्टेट बना लेनी है, ये पाकिस्तान के साथ इलाक आई थिंक सो के नहीं करेंगे। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रो रेवोल्यूशन टीवी के साथ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो हमसे अपना आज़ाद कश्मीर संभाला नहीं जा रहा और हम जम्मू एंड कश्मीर को लेने की बातें करते रहते हैं। क्या हमारे पास दिमाग नहीं है या हमने कभी सोचा ही नहीं है या अपने बच्चों को हमने सिर्फ ब्रेन वॉश किया हुआ है? अगर बात की जाए रिसेंटली तो जो नरेंद्र मोदी हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक मेट्रो को लॉन्च करने जा रहे हैं एंड ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस की बात है कि दिन ब दिन देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर आगे डेवलप होता जा रहा है और हम अपने आज़ाद कश्मीर से भी हाथ धो बैठने वाले हैं। आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम इस चीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं।
सकती है। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की, तो और अपने आजाद कश्मीर की बात करते हैं, तो आजाद कश्मीर का तो हमें वैसे ही बड़ा गर्व किया हुआ है, उसकी कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आती है। और जम्मू एंड कश्मीर भी हमें बचपन से यही पढ़ाया गया कि वो बहुत जुल्म व सितम में जिंदगी गुजारे, लेकिन इसलिए देखा जाए तो इंडिया काफी प्रोग्रेस करवा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अभी भी नरेंद्र मोदी एक मेट्रो लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि उनकी प्रोग्रेस और आजाद कश्मीर की प्रोग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है? जी डेफिनेटली है, मुझे तो यही नज़र आ रहा है, मेरे जहाँ तक शुरू से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि ये आज़ाद कश्मीर भी हमसे जाएगा, मकबूजा कश्मीर तो हमारा है ही नहीं। करेंगे बताएं, क्या आपको लगता है कौन सा लीडर हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है? कोई नहीं, लीडर है ही नहीं हमारे मुल्क में। क्या इमरान खान हो सकता है? इमरान खान है, मगर वो उसको आने कौन देगा, कोई नहीं आने देगा उसको। क्या आपको लगता है कि वो बेहतर साबित हो सकता है पाकिस्तान के हक में? बेहतर सिर्फ पाकिस्तान आर्मी होती है, वो जो सारी उम्र काम करी है वो करती रहेगी, इसके अलावा कोई और काम ही नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का ये काम ही नहीं है जो ये कर रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर सर बेसिकली बात करने का पर्पज ये है, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर बात करते हुए, अगर मैं पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम के ऊपर आपकी थोड़ी नज़र दौड़ाना चाहूँ, तो पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम अगर दुनिया के किसी मुल्क के साथ कंपैरिजन करें तो किसके साथ हो सकती है मौजूदा हालात को देखते? मौजूदा हालात को देखते हुए तो इस निज़ाम का अपने अकेले कंपैरिजन आप बांग्लादेश से नहीं कर सकते, श्रीलंका से नहीं कर सकते। उसकी वजह है क्या? वजह सर, वजह आपके सामने, हमारा निज़ाम को इतना अपना हाई फाई नहीं है। मेरे ख्याल में मैंने अगर अपने अपना कहने के कम व बेचने को 10 साल पहले मैंने सफ़र किया था, जब ये नई इस्लामाबाद टू लाहौर इन्होंने जनाब कहने के ट्रेन चलाई थी, 10 साल हो गया मुझे। अगर निज़ाम अच्छा हो तो मैं अपनी कन्वेंस का भी ना इस्तेमाल करूँ आउट ऑफ सिटी के लिए, मैं अपनी ही उस पर अपने कहने के ट्रेन यूज़ करूँ। मैं निज़ाम अच्छे नहीं है, सिलसिले अच्छे नहीं हैं, आपको मतलब किसी किस्म की फैसिलिटी बताएं कितनी मिलती है वहाँ पर, वो इंडिया देख लें, उनकी ट्रेन भले मतलब दूसरे तीसरे नंबर पर आती है। जी 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 जी, और हम वो क्या हमारा कितना फ़र्क है उनका, एक बॉर्डर का फ़र्क है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है। सर अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है सर, पूरे इंडिया में तो चल तो रही है। इलेक्ट्रिक ट्रेन तो उन्होंने बड़े अरसा पहले चला दी भजन, उन्होंने कल परसों ही हफ्ता हुआ है उन्होंने लॉन्च की है मर्सिडीज इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, मर्सिडीज इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चर, और हमारे यहाँ पर आटे की लाइनें लगी हुई हैं। बात को अंडरस्टैंड करें आप, वो कहाँ पहुँच गए? हम लोग अभी भी जनाब अली दुश्मन 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 करके वो अपना काम निकाल के हमें आटे की लाइनों में लगा गए ये लोग। ठीक है सर, कितना बड़ा अलमिया है, सोचने की बात है। एक तरफ हम क्या यहाँ पर मैं और आप दोनों मिलकर इंडिया के मुर्दाबाद के नारे लगाते फिरे सारा दिन रात, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। फर्क किससे पड़ेगा, मैं और आप काम करेंगे तब पड़ेगा? एग्जैक्टली सबसे पहले हम लोगों को चेंज होना होगा। सही बात है। जब हम लोग चेंज होंगे ऑटोमेटिकली ये सिस्टम चीरू का। अच्छा यहाँ पे क्या होता क्या, एक पुलिस वाले को आप ले लें, हम लोग खुद अपना गलत है। अगर हम लोग एक पुलिस वाले को रिश्वत नहीं देंगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जबकि ये अगर फॉर एग्जांपल मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो गया तो इन्होंने अपनी स्टेट बना लेनी है, ये पाकिस्तान के साथ इलहाक आई थिंक सो के नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ इलाक करने के लिए वैसे भी अगर बात की है, जम्मू एंड कश्मीर कहता है कि हम खुश हैं इंडियंस के साथ, क्योंकि देखें उन्होंने इतनी तरक्की करवा दी और जितना बजट हम मांग रहे हैं IMF से अपने बजट को सेट करने के लिए, उतना बजट इस वक्त अकेले जम्मू एंड कश्मीर का है। जी डेफिनेटली इसी तरह है, जितनी खुशहाली है जितनी प्रॉस्पेरिटी इस वक्त आई थिंक सो के इंडिया में है, मेरा ख्याल में हमें वहाँ पहुँचने के लिए 20 ईयर्स चाहिए। तो डेफिनेटली वो हालात अब ग्लोबलाइजेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें छुपी हुई हैं, तो ये चीज़ें जब वो देख रहे हैं तो उनकी कतन राय नहीं होगी कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक करें। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे हमारी जो हमारे पास है उसकी हमें कदर नहीं है, जो हमसे दूर है उसको हम इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं? मेरा ख्याल में हम अपना पाकिस्तान संभाल लें ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है, जो हालात हुए हुए हैं ना बहुत टफ नज़र आ रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर जैसे कि आपने कहा कि हालात लगने के शायद वो भी हमसे जाता जाएगा? जी डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि जो चल रहा है जैसे चल रहा है उनको उनके साथ करना चाहिए, हमें अपना पाकिस्तान बचाना चाहिए, ना कि जैसे बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ है ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो कि बलूचिस्तान हमसे अलहदा हो जाए या कुछ और हमारा हिस्सा निकल जाए। बिल्कुल, देखिए हमारे अपने 4 सूबों में क्या चल रहा है, बल्कि 5 सूबे हैं हमारे, उनमें क्या चल रहा है हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपने मफाद के लिए हम कश्मीर का मुद्दा हमेशा उठाते हैं, हमेशा बात करते हैं। जस्ट वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती हैं, बाकी आप देख लें मौलाना फजलुर्रहमान ये जितने भी बने आज तक उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया आज तक। क्या हो कह सका है, अगर कुछ बोला है तो इमरान खान बोला है, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी ने जाके अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में या कहीं जाके। सर
मैं अगर आपसे स्पेशल रिपोर्ट्स की बात करूं, इमरान खान ने जितना कर्जा नून लीग ने लिया था, इम्पोर्टेंट हुकूमत ने लिया था, उससे डबल कर्जा लिया था इन 3.5 सालों के अंदर, ठीक है। और जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी वो लोन को उतारने के लिए, जब आप लोन लोगे या कंट्री पर लगाने के लिए दोबारा लोन लोगे तो सर वो फिर लोन उतरेगा तो नहीं ना। अभी भी मुल्क जो है वो हमारा कर्जा ही है। ये कैसे डेवलपमेंट है सर, जो लोन के जरिए जो लोन लिया जा रहा है बार बार, ये कैसे डेवलपमेंट है? उसके पास एक विजन था, 35 ईयर्स ये लोग आए, इनके आने से पहले हमारा हर बच्चा 135,000 रुपीज का मकरूज था, उसके अंडर डेट था। उसके आने के बाद आपने पाकिस्तान को एक ट्रैक पे चलाया, ठीक है, एवरीथिंग टेक्स टाइम, वक्त लगता है, लेकिन इन्होंने देखा कि हमारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सड़कें बना देने से या ब्रिज बना, दिस इज नॉट द डेवलपमेंट। आपने ये देखने कि आपका ह्यूमन रिसोर्स पे आप कितना खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे क्या खर्च कर रहे हैं, मेडिकल पे आप लोग क्या यूज कर रहे हैं। उसने आके वो सब कुछ किया। इनका है, ये आते हैं, बारियां लगाई हुई हैं, वो पैसे लेता है, वो बाहर चले जाता है, ये पैसे लेता है, ये बाहर चले जाता है। वेयर इज डेवलपमेंट? यू आर अ जर्नलिस्ट, यू नो बेटर देन मी, लेट प्लीज टेल मी वेयर इज डेवलपमेंट। कहीं भी नहीं है, ये सड़कें, ये ब्रिजेस, कुछ भी नहीं है। आपकी एजुकेशन, ये सब तो लोन के पैसों का है, पहले भी था, लेकिन जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करते हैं, लेकिन उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे कुछ भी नहीं किया। उसका विजन था कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स पे पैसा लगाते हैं, एजुकेशन देते हैं, एक बंदा पूरी फैमिली को पाल सकता है। आजकल के दौर में एक बंदा पूरी फैमिली को नहीं पाल सकता, जो हालात हैं आज के दौर की बात कर रही हूँ मैं, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। रीजन देखिए, अगर एक एजुकेटेड आदमी है ना, उसके पास एक विजन होता है, वो सबसे कहता है आप, हर आदमी से शिकायत है गवर्नमेंट से, क्या गवर्नमेंट ने तो क्या ही किया हुआ है, लेकिन ये इतने भी हुक्मरान है ये सारे, ये अल्लाह ही अल्लाह है बस, अपने ऊपर लेते नहीं है बात, वो दूसरों को अपनी कारकर्दगी दिखाते नहीं है, लेकिन ये बस दूसरों पे इल्ज़ाम, और दूसरे एक दूजे को चोर डाकू बेईमान ये कह कह के और आवाम को पागल बनाया हुआ उन्होंने। इस टाइम अगर हम दुनिया की बात करें ना, तो चाइना के कर्जों के नीचे हम हैं, IMF के कर्जों के नीचे हम हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस टाइम डिफॉल्ट के रास्ते पे है। क्या समझते हैं कि कर्जों के नीचे कब तक हम चलते रहेंगे? क्या हमें खुद मुख्तार बनना चाहिए? आज जैसे दुनिया आगे बढ़ गई है, क्या हमें बनना चाहिए और कैसे बन सकते हैं? ये ऐसे बन सकते हैं कि जितने भी हुक्मरान हैं ये सारा पैसा अपना बाहर लाएँ, इधर इधर 12 पैसे ला के और सारा ये कर्जा उतारें, और ये सिलसिला सही हो सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? अगर हम पिछले हुकूमतों की बात करें, मुशर्रफ, नवाज शरीफ, वो भी तो बाहर के मुल्कों में ही है, क्या ये हुकूमत भी अपना बाहर का पैसा इधर लाएगी या खुद भी बाहर जाएगी? ये पैसा नहीं लाएगी, ना इधर से पैसा लाएगी, ये इधर से ले जाएगी। इतनी समझदार इतनी हो ना, तो अवाम के हम दर्द, मुल्क के हम दर्द हो ना, तो ये सारा पैसा लाएँ। ये दुनिया तो देखें ना, तो हम जब जहाँ से आज़ाद हुए थे इंडिया से, तो आज उनके हर चीज़ में उन्होंने तरक्की की है। क्या वजूहात लगती हैं? हम जैसे ही लोग हैं ना, वहाँ भी मुसलमान भी है, हिंदू भी, यहाँ भी मुसलमान है, हिंदू है, लेकिन वो तरक्की कर गए लेकिन हम नहीं कर पाए, क्यों? ये तरक्की इसलिए है कि ये जो भी आता है ये मुल्क को लूटता है, जो आता है मुल्क को बनाता नहीं है, ये सिर्फ वो खा गया, वो ले गया, वो उठा गया, वो कर गया, ये मुल्क की तरफ, अवाम की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है, ये सिर्फ अपने पेट भरते हैं, अपने सांसें बनाते हैं, बाहर इनके सांसें हैं इधर, ठीक है। वो एक दिन आप पे रोब झड़ेगा, दो दिन झड़ेगा, तीसरे दिन जब आप उससे कंप्लेंट करेंगे ऑटोमेटिकली आप मतलब के वो सिलसिला अपना पीछे आएगा ना, ये खुद खराब कर रहे हैं, हम खुद ख़राब हैं, तो इसलिए हम पे हुक्मरान भी ऐसे ठीक है मुसल्लत हुए हैं। आज ये देख लें क्या हालत हुई हुई है, ये शहबाज शरीफ देख लें, ठीक है, ये इमरान खान की जनाबे लिए अपना देख लें, कैबिनेट देख लें आप, मैं इमरान खान को बुरा नहीं कहता, वो बंदा अपना जनाब गुड आदमी है, कैबिनेट देख लें उसकी, ठीक है, ये शहबाज शरीफ, ये सब चले हुए कारतूस हैं, ये आज फिर हम पे मुसल्लत हो रहे हैं, क्या था सर? अगर हम देखें तो हम यहाँ पर एज ए इंडिविजुअली तौर पर हम ये समझते कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हमने ये करना वो करना, सर हम हर चीज़ में कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हमें वो बड़ा बताते हुए हमें शर्म क्यों आती है? सर शर्म तो ऑब्वियसली आएगी ना, जब आप एक दुनिया में किसी भी खत्ते में जाके डील कर रहे होते हैं और वहाँ पर बंदे से कह रहे होते हैं भाई मुझे 30% दे, और अपनी उस चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आप कहते हैं कोई नहीं यार थकी बना दे, मेरा 30 मेरी जेब में दे दे, ठीक है। इंडिया का बंदा भी डील लगाता है, वो भी करता है करप्शन, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कहता है भाई मैं चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा,
अपने मुल्क के साथ 30% मैं लूंगा जरूर तुझसे, लेकिन मैं चीज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये है डिफरेंस। हमारे यहाँ पर मुसलमान हम लोग हैं, हमारा यहाँ पर ईसाई जो भाई है यहाँ पर, ठीक है, वो एहतियात करेगा कि मुसलमानों के रोजे चल रहे हैं, जबकि मुसलमान यहाँ खड़े हुए उस्ताद जी अपना वो पेप्सियाँ चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ये डिफरेंस है सर, एहसास मर गया हम पे, एहसास हो तो मसला ही नहीं है, गैर मुस्लिम फिर आपका एहसास कर लेता है। सर बहुत जबरदस्त हो गया, वो मतलब डाउनफॉल ही है हर चीज के लिए। तो तरक्की तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की पाकिस्तान में तरक्की हो रही है कोई भी, लेकिन ये जो भी आता है वो आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ, अवाम का कोई नहीं सोच रहा, दुनिया भीख मांगने पे आ चुकी हुई है इस वक्त, और कोई ऐसा हाल नहीं है कि तरक्की की तो बात ही ना करें, खास तौर पे पाकिस्तान में। सर अगर हम इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको अब नाम दिया गया नून लीग की अगर बात करें, जिसने सबसे ज्यादा रूल किया है पाकिस्तान पर और जिसने सबसे ज्यादा सड़कों पर, मेट्रोज पर, ब्रिजेस पर बजट लगाया है लोन के पैसों से, जो ये सब कुछ चलाया है, आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें मेट्रोज की, अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहाँ देखते हैं, कैसा देखते हैं वर्ल्ड के साथ अगर कंपेरिजन किया जाए? देखें जी, जिन्होंने 30 साल इस मुल्क को दिए हैं, अब ये सिर्फ अपने मुफाद की खातिर, अपने मुफाद की खातिर के कहीं इनकी हुकूमत ना चली जाए, ये महंगाई करते चले जा रहे हैं, महंगाई करते चले जा रहे हैं। और गंदा पहली बात, एक बात बताइए मुझे, जो भी हुकूमत आती है वो ये बोलती है कि मतलब कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिस वक्त हुकूमत में आ जाते हैं कहते हैं खजाना खाली है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये किस तरह का खजाना है कि पहले ये बहुत सारी बातें करते हैं, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो भी है अब मतलब कि जो भी पैसे आते हैं, जैसे डैम के लिए पैसे आ गए या किसी और चीज़ के लिए, जो भी मुल्क की तरक्की के लिए कोई पैसे लेते हैं, वो जाते कहाँ हैं? वो जिस चीज़ का कहते हैं वो बनती तो है नहीं, वो चले किधर जाते हैं? उसके बाद पता चलता है कि जी साकिब निसार चला गया और पता पैसे भी उसके साथ चले गए। अब वल्ला आलम साकिब निसार गलत है, नवाज शरीफ गलत है, इमरान खान गलत है, लेकिन जहाँ तक इमरान खान का लगता है ये बंदा गलत नहीं है। जो कुछ नज़र आ रहा है कि इसमें मुझे कोई ऐसी कोई गलती नजर नहीं आ रही कि हम नहीं समझते इसको मौका देना चाहिए, हम समझते नहीं है। बेशक अगर एजुकेटेड पीएम की बात की जाए तो वो हम कह सकते हैं कि इमरान खान है, लेकिन उन पर भी 100 किस्म के जो है वो इस वक्त केसेस आए हुए हुए हैं। सर अब ये तो बात रही पाकिस्तान की, लेकिन अब स्पेशली हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की शहरक जिसे बोला जाता है, कश्मीर पे, कश्मीर पे डेवलपमेंट की बात करने वाली हूँ, आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, एक मेट्रो का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, वो वीडियो देख कर आप मुझे अपने रिव्यूज दीजिएगा। मैम लगता तो नहीं कि पाकिस्तान में ये मेट्रो लॉन्च होगी। देखिए नहीं, पाकिस्तान में कम से कम इनके होते नहीं होगी, ये 100% है। नहीं सर ये पाकिस्तान में नहीं है। हाँ जी वही नजर आ, वो देख रहा हूँ कि अर्बन अफेयर्स ये इंडियन कश्मीर में हो रही है, जिस पर करोड़ों की तादाद में बजट लगाया जा रहा है। ये अभी मतलब के सिर्फ ये अभी सोच है कि इस तरह का होगा। हाँ, और एक्सपेक्टेड है कि इसको ये इसकी जो कंप्लीशन है वो 2024 तक कंप्लीट हो जाए। 2024 तक कश्मीर में, इंडियन कश्मीर। मैम आप सब आप खुद मुझे बताएं, आपके पास इस सवाल का जवाब खुद है कि कश्मीर में जीने नहीं दिया जा रहा, कश्मीर में जीने नहीं दिया जा रहा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हो? मैं डिप्टी कर रहा हूँ। डिप्टी कर रहा है। चले मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, अपने आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, तो काफ़ी डिफरेंस नजर आते हैं हम लोगों को। ना तो हम आज़ाद कश्मीर की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पा रहे हैं, उनकी जरूरियात पूरी कर पा रहे हैं, और सेकंडली हम कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर भी हमें दे दिया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने बहुत डेवलपमेंट करवाई है, और रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो एक मेट्रो, लग्जूरियस मेट्रो लॉन्च करने जा रहे हैं वहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं कि अपना कश्मीर हमसे संभाला नहीं जा रहा, वो कश्मीर हम लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट इंडिया करवा रहा है? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमसे अपना कश्मीर नहीं संभाला जा रहा, हम उनका कश्मीर कैसे लगते थे देख लें। एक बीइंग पाकिस्तानी हमें वो ठीक है, वो चाहिए, ठीक है, हम वो एक मुस्लिम है, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम आप देख रहे हैं हमारा अपना जो कंट्री है वो क्राइसिस में से गुजर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ओवरऑल जो ग्लोबली वो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, हम हर चीज़ में टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो इस लिहाज से हम अगर देखें तो हमने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, इवन के हम फिर अपना जो आज़ाद कश्मीर है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सके, तो हम फिर वहाँ पे जाके अगर हम ये बात करें कि हमें जम्मू कश्मीर भी दे दें तो हमसे अपना मुल्क चल नहीं रहा, हम कैसे चलाएंगे?
तो इसके लिए यही है कि हम पहले तो अपना मुल्क ठीक करें, ठीक है, अपनी हम फाइनेंशियली कंडीशन ठीक करें, फिर हम ग्लोबल लेवल पे जाके ये मसला उजागर करेंगे। ठीक, इनके साथ हैं हर चीज़ इनकी, ये कोई वजीर इनका, कोई मशीर, ये कोई ऐसा मसला इनका, अवाम का तो मुल्क का ये सोचते ही नहीं है। समझते हैं आपके वहाँ की गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट हर साल हर टेन्योर पर जो आती है, क्या वो बेहतर होती है हमारी गवर्नमेंट से? उनकी गवर्नमेंट फिर भी अमीर है, इनकी गवर्नमेंट गरीब है, ये खाते देते हैं, गवर्नमेंट का हिसाब नहीं है, ये तो उनकी गवर्नमेंट अमीर है। कैसे अमीर है वो? उनकी गवर्नमेंट का वो खुद मुख्तार है, हर चीज़ वो बनाते हैं, हर चीज़ को मुहैया होती है इधर। तो हम भी सकते हैं लेकिन बनाते नहीं, वही तो बात है, ये बना नहीं सकते, सब कुछ इनके पास है, इंसान भी है, आदमी भी है, सब कुछ है, लेकिन उन आदमियों को ये तवज्जो नहीं देते। क्या हमें कश्मीर चाहिए, हम स्टेबल हैं, ठीक है, इसके लिए अगर हमें जंग भी करनी पड़े तो हम करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर जहाँ अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो लेकिन जंग भी तब करेंगे ना जब हमने उनके लिए कुछ किया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हाँ तो यही तो बात है ना, हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करें? मतलब कि देखिए वहाँ पर इंडिया इतनी डेवलपमेंट करवा रहा है, दिन ब दिन डेवलपमेंट हो रही है, एंड अगर बजट की बात की जाए तो जितना लोन इस वक्त हम IMF से तरले कर करके मांग रहे हैं उतना बजट है जम्मू एंड कश्मीर का। जी ऐसे ही है, तो इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि पहले तो हम खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फिर ठीक है, फिर ये हमें UN में ऐसे बंदे बिठाने चाहिए जो उसको ग्लोबल लेवल पे जाके इस मसले को उजागर करें, ठीक है, UN की समझ में आइए मसला, उनको पता चले कि हाँ भाई कश्मीर इनका है, इनको हमने कश्मीर देना है, ठीक है, इस तरह से हमें मिल सकता है, नहीं तो हम अपने खुद ठीक नहीं है, हमारे जो भी कंडीशन है सबके सामने ही है ना, हमारा फाइनेंशियली कुछ स्ट्रांग है ना, पोलिटिकली स्ट्रांग है, ठीक है, तो हम आई डोंट थिंक हम ले सकते हैं कश्मीर उनसे। थैंक यू सो मच। रेलवे निज़ाम पाकिस्तान का इस वक्त तो मैं इंडिया के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता सर, इंडिया का दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर, मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो उसके साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, इसको तो फिलहाल मैं किसी के साथ हाँ इसको पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर सकता हूँ, अपने निज़ाम को अपने शहरों के साथ कंपैरिजन कर लेंगे, कौन से शहर का अच्छा कौन सा बुरा है ये आप कह सकते हैं, किसी मुल्क के साथ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सोचिए कि बिना। सर अगर मैं बात करूँ तो हमारे लोग यहाँ पर कश्मीर के अंदर डिवेलपमेंट नहीं हो रही, आप बताइएगा कि आप एक एज अ लॉयर है, रिसर्चिंग तो करते ही होंगे, आप कौन से कश्मीर के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट लग नज़र आती है आपको, हमारे कश्मीर में या इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें? दोनों में हो रही है सर, दोनों में हो रही है। थोड़ा डिफरेंस बताइए। डिफरेंस जो कश्मीर उनके पास है वो खूबसूरत कश्मीर है बहुत ज़्यादा, जो हमारे पास में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ज़ाहरी बात है वो उनके पास जो है वो मकबूजा कश्मीर कहते हैं, पूरी दुनिया को हमने ये बताया वो कब्जा कर रहे हैं, जो जहाँ कब्जा किया वहाँ अहराजात भी ज़्यादा कर रहे हैं इंडिया, तो उसको खूबसूरत करने के लिए वो आगे कुदरती ज़्यादा खूबसूरत है, तो इंडिया के हराजात भी वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सर ये इंडिया तो कहता है कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ कश्मीर के उधर, और पाकिस्तान कहता है इंडिया ने कब्जा किया हुआ, खैर ये एक अलग डिबेट है, इस पर फिर कभी बात करेंगे, अभी हम बात करें डेवलपमेंट के अंदर, तो डेवलप के अंदर के आप मैं बताना चाहूँगा, आपने कहा कि पाकिस्तान भी कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है, सर क्या हमारे पास दुनिया की हाईएस्ट ब्रिज मौजूद है कश्मीर के अंदर? दूसरे नंबर पर क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन मौजूद है, या ट्रेन इलेक्ट्रिक तो छोड़े सर, क्या हमारे पास ट्रेन सिस्टम मौजूद है हमारे कश्मीर के अंदर? नहीं वो तो आपकी बात ठीक है उनका, क्या अभी मेरी बात कहते ख़त्म नहीं हुई, क्या हमारे पास सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल मौजूद है कश्मीर के अंदर? क्या सर कश्मीर के अंदर दुबई की बड़ी कंपनी MR कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है, बड़े दुनिया का अगर मैं बात करूँ एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है, वो सर सब कुछ इंडिया के अंदर क्यों हो रहा? इंडिया बड़ा मुल्क है हमसे भजन, वो देखे ना वहाँ की आबादी कितनी है मुझे ये बताएं। सर आबादी के लिहाज से अगर बात करेंगे दुनिया के पाँचवें नंबर पर तो हम भी हैं सर, उसकी मार्केट बढ़ी है ना, उसकी मार्केट बढ़ी है, हमारी भी कम नहीं, आपकी थोड़ी सी कम है सर, थोड़ी सी। सबसे पहले तो हमारे जो अपनी आवाम है जो इसका सबसे पहले कसूर है, जो हम गलत अपने जो सरबराह हैं उनको चूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारे सरबराहान हैं वो आते हैं, तो क्योंकि सारा निज़ाम दर भरम हो चुका है, इसमें सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम हैं जो इनको चूज़ करते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने ये ना देखे ये नवाज़ शरीफ है, ये इमरान खान है, ये है, इनके पीछे लड़ाइयाँ ना करें। बात करें अभी हमने बात की है कि क्यों हम पीछे हैं, अगर हम बात करें इस टाइम रेलवे की मेन जो चीज़ है ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि और भी चीज़ों के लिए काम आता है। अच्छा अब रेलवे की अगर हम बात करें मेन, तो आपको भी पता है इस टाइम हमारा ब्रिटिश का ही वो रेलवे चल रहा है, इनोवेशन की बात करें हल्की फुल्की एज लाइक ज़्यादा नहीं नज़र आती, लेकिन अब जहाँ से हम निकले इंडिया
ब्रिटिश ने हमें जब छोड़ा, हम जब आज़ाद हुए, आज भी हम उन्हीं की चीज़ों पर, आज हम इस माल रोड की भी चीज़ें देखें तो ये भी ब्रिटिश का ही नज़र आता है। अच्छा, अब हम बात करें इंडिया की जानिब, अगर हम देखें तो आज उन्होंने मैसिव रिकॉर्ड कायम किया है अपने रेलवे सिस्टम में। मे बी आपको आइडिया हो कि इस टाइम वो ट्रांसपोर्ट में कितना आगे चले गया, ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट, आईटी और अदर थिंग्स में भी क्या वजूहत है, वो आगे डे बाई डे जा रहे हैं लेकिन हम उनसे सीख भी नहीं रहे, उनको देख भी नहीं रहे। इसकी वजह यही है कि हमारा जो ना उनके साथ जो क्लैश है ना वो जी कश्मीर के ऊपर है कि हम उनकी ये जो सिस्टम है ना एक एडवांस की तरफ का क्या क्या होता है। अगर आबादी की आप बात करेंगे तो जापान देख ले, हमारे फैसलाबाद से छोटा मतलब सर इंडिया में वो लोग नहीं है जो रात को उठा के लेके जाते हैं, यहाँ वो लोग हैं जिनसे मैं भी डरता हूं, अभी मुद्दे पे आए हैं जिनसे मैं भी डरता हूँ आप भी डरते हैं। इंडिया में वो नहीं है, इंडिया में उन लोगों से परमिशन लेनी नहीं अर्जी किसी कंपनी को खोलने के लिए, यहाँ परमिशन लेनी अर्जी सब की, इंडिया में कमीशन देनी पड़ती सिर्फ एक बंदे को, यहाँ देनी पड़ती है पाँच छः बंदों को, तो कंपनी कैसे यहाँ आएगी। सर इंडिया में मुझे लगता है कि कमीशन देनी नहीं पड़ती, अगर वो कमीशन देते, अगर वो कमीशन देते तो दुनिया की पाँचवीं बड़ी मैशत ना बनते। मैं आपको उस मुल्क का निज़ाम कभी ठीक नहीं होगा जहाँ मैं निज़ाम अदल से हूँ, जहाँ निज़ाम अदल नहीं होगा, इस मुल्क में निज़ाम अदल नहीं है सर। हमारा जस्टिस कौन सा नंबर पे? मेरा ख्याल है कोई एक सौ, मैं तो कहूँगा तो आखिरी नंबर पे है। जो फिक्र आप काउंट करते हैं मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि मुझे 22 साल हो गए हैं ये करते हुए, यहाँ निज़ाम अदल नहीं है। जिस मुल्क में निज़ाम अदल नहीं होगा वो बर्बाद होगा। अगर आप दुनिया में जाते हैं ना, दुनिया में हल्के से हल्के मुल्क, थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये छोटे मुल्क हैं, अफसोस होता है आपको कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं और कहाँ आए हैं। वहाँ निज़ाम अदल है सर, यहाँ निज़ाम अदल कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू सर। नहीं देख रहे कि हमारी जो आगे पब्लिक है वो हम यहाँ कहाँ पे खड़े हुए हैं और वो कहाँ पे हैं। हम यही है कि हमारी फ़ौज जो है वो उनसे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, हमने बस आल टू आल वही देखते हैं कि जब जंग होगी कि हम उनसे ना जीत जाएंगे, हम उसको शिकस्त देंगे। हालांकि शिकस्त वाली कोई ऐसी बात नहीं है, वो देखें ना कि वो आईटी के अंदर इतना एडवांस है उसका रेलवे सिस्टम जो ब्रिटिश दौर से है, आज वो वर्ल्ड में भी बेस्ट में आ रहा है, यानी कि उसका रैंक आज भी मेनटेन है उन्होंने किया हुआ है। और हमारा जो रेलवे सिस्टम है हम वो पुराने को छोड़ के ना नए प्रोसीजर प्रोजेक्ट वगैरह की तरफ सोच रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि उसको भी इम्प्रूव किया जाए। अगर उसी को इम्प्रूव कर दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से वो गुड होगा। आपकी क्या राय है? मेरी तो राय है सबसे पहले तो करप्शन है इसमें रेलवे में, क्योंकि रेलवे की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट आपको पता ही होगा चाइना से काफ़ी इंजन जाते हैं आते हैं, पता नहीं जाते किधर हैं कि ये चाइना से एक इंजन आया कि ये बहुत फास्टली चलेगा, लेकिन वो पता नहीं किधर गया, आज तक ना उसका पता है। रेलवे का खुद मैंने विज़िट किया हुआ है, लोकोमोटिव इसकी वर्कशॉप है देखी है, उसमें जाके देखा है जो इंजन एक आता है उसको विद इन आवर्स उसको खोल के रख। पाकिस्तान में इस टाइम कुछ भी नहीं हो रहा, जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है मेरे ख्याल पाकिस्तान की हर चीज़ स्टॉक हो गई हुई है। आपकी इम्पोर्ट बंद है, आपकी एक्सपोर्ट बंद है, डॉलर देखने कहाँ पे चला गया, इकोनॉमिक टर्मोइल है ना, ये लोग बिजनेस को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए लोगों के एलसीज खोल रहे हैं, आपकी एलसीज बांध रहे हैं, तमाम के तमाम कंटेनर स्टक हैं कराची पोर्ट के ऊपर, बड़ा गर्क हुआ हुआ है। सर इंपोर्टेड गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से पहले कौन सी तरक्की हो रही थी, यहाँ पर कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा था, जो सड़कें जो ब्रिजेस बन रहे हैं जो कंपनीज आ रही थी वो सारे भीख के पैसों पर आ रही थी, वो सारे लोन के पैसों पर आ रही थी, तो सर तब भी डेवलपमेंट नहीं थी। देखिए मेरी बात सुनो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इमरान खान की रेजिम 3 इयर्स की है, 3 इयर्स के अंदर देख लें कि आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो कहाँ पे चली गई, 3.5 कर लें, चले 6 मोर कर लें। जी जी शो, मुझे ये बताएं कि आपकी एक्सपोर्ट कहाँ पे थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी आपकी आईटी की, आईटी की ठीक है, उससे देख लें कि आईटी की एक्सपोर्ट अच्छी थी, आपका टेक्सटाइल सेक्टर देख लें ठीक है, और अब देख लें क्या उसका कंपेरिजन कर लें आप क्या। सर सिर्फ आईटी और टेक्सटाइल पर आपको लगता है हमारी पूरी इकोनॉमी बेस करेगी? आपको पता है कि यहाँ पर हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है ही नहीं सर, हम लोगों ने शुरू से लेकर अब तक सिर्फ इंपोर्ट्स पर ध्यान दिया है, कौन सी लोकल इंडस्ट्री यहाँ पर अपनी है? अब ये बताएं कि इंपोर्ट पे ध्यान किसने दिया, 35 इयर्स किसने रूल किया, दो पार्टीज ने जिनकी आपस में कभी वो आ गया कभी वो आ गया, अब 3 इयर्स के अंदर एक बंदे ने आके आपकी एक्सपोर्ट पे इंक्रीज किया, उसने आपका आपका डेट भी उतारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन।
सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की, तो हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, हालांकि हमने वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करवाया, कभी उनका हाल तक नहीं पूछा जाके वो कैसे हैं क्या कर रहे हैं, बस हमें वोटिंग डेज में याद आता है कि जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। लेकिन यही वही अगर हम इंडिया की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बेतहाशा डेवलपमेंट करवा चुके हैं। रिसेंटली भी देखा जाए तो वो एक लग्जूरियस मेट्रो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो क्या कहना चाहते हैं, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर हमारा तो लाना हुआ। आई थिंक जैसे हम अपनी कौम के लिए कह रहे हैं ना कि हम सिर्फ बातों में, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है जबकि हमारे अपने बच्चे नहीं पढ़ रहे, सेम इज केस कि हम बातों के आदि हैं, हम कुछ अमल नहीं करना चाह रहे। अगर हम इंडिया का भी रिसेंटली मैं देख रहा था पाकिस्तान का बजट, इतना पाकिस्तान को आई थिंक 14-15 बिलियन डॉलर चाहिए टोटल, और उनका सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का बजट ही कोई 20-25 बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो इंडिया हम अपनी बुक्स से, हम अपनी मुताला पाकिस्तान इन बुक्स में तो देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, लेकिन अगर हम देखा जाए इकोनॉमिकली दूसरे अंदाज में तो इंडिया उनकी ज़्यादा खातिर तवाजो करे। अगर हम जम्मू कश्मीर को साइड पर रखें, हम अपने दूसरे सूबों की भी बात करें, तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा वाले भाई, हमारे बलूचिस्तान वाले भाई, सिंध वाले भाई, वो सारे ही इसी हैं कि उन्हें डेवलपमेंट नहीं मिल रही। मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि अगर हम अपने आज़ाद कश्मीर की भी बात करें तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स बेचारे लाहौर पढ़ने आते हैं स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर कोई फैसिलिटी उनको नहीं दी जा रही, इनफैक्ट उनके साथ इतना ज़्यादा कह लें कि गैर उनको वो क्या कहते हैं महाजरीन जो आउटसाइडर्स होते हैं वो कंसिडर किया जाता है, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि हमारे पास 4 सूबे हैं, उनके 26 सूबे हैं, वो उन सूबों को कैसे चला रहे हैं, हमारे से 4 नहीं संभाले जा रहे बल्कि 5 हो गए अब तो। ये असल में हमारी इंटेंशंस पे मैटर करता है, हमारी जो गवर्नमेंट है ये एक हमारी बदकिस्मती है कि पिछले 75 सालों में हमारे जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं किसी ने अपना 5 साल का दौरान पूरा नहीं किया, और जो भी गवर्नमेंट है हमारे जो भी अच्छे हुक्मरान आते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उन्हें या तो अपना दौरान पूरा नहीं करना दिया जाता, और जो आते हैं अमूमन वो उन्हें कंसर्न ही नहीं होता आवाम से, उन्हें हुकूमत से, उन्हें अपनी सीट से होता है कंसर्न, उन्हें अब हमें छोड़ देना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि मैंने जैसे सिंपली आपसे कहा है कि वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट इंडिया करवा चुका है, एंड लोग ये भी समझते हैं कि शायद वो डेवलपमेंट इसलिए करवा रहा है कि ताकि जम्मू एंड कश्मीर ये कह के भाई अब हम इंडिया का हिस्सा ही हैं, और वो कहते भी हैं, वो खुद हमारी अक्सर बात होती है जो कश्मीरी लोग हैं वहाँ के, वो कहते हैं हम खुश हैं इंडिया के साथ। आई डोंट थिंक कि हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर हम जमहूरी अंदाज में देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का सिर्फ एक हल है, वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर को मिला के उन्हें अलग एक स्टेट बनाने दिया जाए, क्योंकि कश्मीर वाले भी अब यही चाहते हैं कि हमें ना इंडिया के साथ जाना ना पाकिस्तान के साथ, हमें अलग बना दे ताकि हमारा वो रहे, इस तरह पाकिस्तान और इंडिया में भी अमन आ सकता है किसी अंदाज में। नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। एक्चुअली हमारा मुल्क का निज़ाम जो है ना वो बहुत स्लो प्रोसेस में है, जैसा चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है। हमारे जो सियासतदान हैं उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, हमारी तो है ही नहीं, आप और हम तो कहीं पे है ही नहीं बीच में, तो जो सियासतदान हैं उनको जब तक वो तवज्जो नहीं देंगे तो निज़ाम अच्छा नहीं होगा। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके सियासतदान तवज्जो दे रहे हैं, उसकी जो रेलवे निज़ाम है बहुत अच्छा है, बेहतर है पाकिस्तान की नस्बत। दुनिया के अगर आप 10 मुल्कों के फहरिस्त निकालेंगे तो इंडिया का रेलवे निज़ाम आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। वो क्यों अपने तरक्की की तरफ ध्यान दें? वहाँ के लोग सिंसियर हैं अपने उनके साथ, यहाँ हमारा कोई भी सिंसियर नहीं है। सियासतदान क्या आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, इवन क्लर्क भी कोई अपने इदारे के साथ सिंसियर नहीं होता। जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे अपने घर के साथ तो आपका घर कैसे तरक्की करेगा। सर, इंडिया के अंदर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक ट्रेन को चला दिया गया। जी बिल्कुल। बताएं जरा आप मुझे कि अगर मैं बात करूं ट्रेन निज़ाम की, 180 की स्पीड से चलती है वहाँ की ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन हो गया, और इसके अलावा इतने ट्रेन के निज़ाम है कि मैं आपको गिना नहीं सकता। सर, रेलवे निज़ाम की अगर मैं बात करूं तो कितना ज़रूरी है कि एक मुल्क के डेवलपमेंट के लिए बाहर से कोई फॉरनर घूमने आता है या फिर जो पाकिस्तानी पब्लिक है इनकी ज़िंदगी कितनी आसान होती है इस निज़ाम से? नहीं, रेलवे का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। इवन अब यहाँ पर कोई भी आपको शरीफ इंसान रेलवे पर सफ़र करना मुनासिब नहीं समझता खुद को, इतना निज़ाम बेहतर हो कि हम लोग उसको सफ़र करें। हम लोग बस पे तरजीह देते हैं या अपनी गाड़ी को तरजीह देते हैं, हम लोग कभी भी रेलवे को तरजीह नहीं देते हैं। तो निज़ाम कम से कम इतना हो इस काबिल हो कि हम लोग तरजीह दें उसको। सर, कश्मीर के रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर यह समझते हैं कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, इंडिया के कश्मीर के अंदर क्या समझते हैं? एक इलाके में रहने वाले लोग, मैं हो या आप हो, हम क्या चाहते हैं? ज़िंदगी में आसानी चाहते हैं ना, सारी चीज़ सस्ती चाहते हैं, वो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें ज़िंदगी के फैसिलिटीज़ दे, हमें सब्सिडीज़ दे, तो क्या हमें वो सब्सिडीज़ मिल रही हैं? अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो क्या हमें ज़्यादा मिल रही है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ज़्यादा सब्सिडीज़ मिल रही है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, आप तो कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, और ना ये लोग तरक्की कर रहे हैं और ना तवज्जो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे तवज्जो हो तो फिर आपके जो दूसरे एरियाज आते हैं आप वहाँ पे बाद में जाते हैं, पहले तो पाकिस्तान में तवज्जो की ज़रूरत है ना। यहाँ पे कौन से डैम्स बन रहे हैं, लाइट चली गई है, लाइट वापस आ नहीं रही है, आप लोग UPS अगर पे जाते हैं
तो यूपीएससी गवर्नमेंट फटाफट उस पर टैक्स लगा देती है, महंगा कर देती है ताकि लोगों की अप्रोच से बाहर हो जाए। ये चीज़ें बहुत कुछ है पाकिस्तान में अभी देखने लायक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एंड हम लोग पता किस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो हमारे सामने वीडियोस आते हैं, हमने कभी वीडियोस का रिसोर्स नहीं देखा, हमने कभी रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। अब मुझे बताएं वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज कहाँ पर है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज कहाँ पर बना है? जनाब ब्रिज इंडियन कश्मीर में सर, वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल गई हैं, वहाँ पर इतनी सब्सिडीज उनको दी जा रही हैं। मैम हमें जो है कश्मीर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाजमी बात है कि हम लोगों को टीवी से मिलेगी या हम यूट्यूब से देख रहे होंगे, वहाँ वीडियोस डालते हैं, कुछ फेक होती हैं, लेकिन मोस्टली जो वीडियोस हैं जिस तरह मतलब के लोगों को लोग मर रहे हैं और दिखाया जाता है, अब सब मेरी इंडियन कश्मीरी जर्नलिस्ट से भी बात हुई है, पब्लिक से भी बात हुई है, अगर आप कहते हैं मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ, आप मेरे चैनल को विजिट कर लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताएं, आपको एक जगह से 10 रुपए किलो के आलू मिल रहे हैं, एक जगह से आपको वही 150 के आलू मिल रहे हैं, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली कि मैं 10 रुपए किलो पे जाऊंगा, है ना। तो देखिए अब वहाँ पर सस्ताई इतनी ज्यादा है, क्या वो इन सब फैसिलिटीज को छोड़कर यहाँ पर आएंगे जहाँ पर खुद पाकिस्तानी छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं? मुझे आप खुद बताएं, अगर वहाँ पर इतना ज्यादा जुल्म है तो सबसे पहले उनको मुसलमानों के लिए वहाँ पर महंगाई करनी चाहिए। वहाँ के मुस्लिम खुद आकर कह रहे हैं कि भाई तुम लोग अपने मुल्क को तो देख लो, क्यों हमें छेड़ रहे हो तुम लोग? मतलब के देखें हमारे अगर आप ये अब ये कहना चाह रहे हैं कि उधर डेवलपमेंट हो रही है, सर ये तो सबको पता है, G20 की मीटिंग सर वहाँ हो रही है। मैम सब कुछ हमें भी यहाँ भी बहुत कुछ बताया जाता है कि यहाँ हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं। ये बात सर्टिफाइड है, वहाँ पर G20 की मीटिंग हुई, आपने G20 का तो आपको पता होगा, G20 जी वहाँ पर हो रही है मीटिंग। दुबई सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में, आजाद कश्मीर में भी तो हो सकती थी ना डेवलपमेंट। फिर मैं दुआ कर सकता हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो सही हो। सर आप मेरी बात सुने, आप दुआ ना करें, बल्कि आप दुआ करें, आप रिसर्च करें, सबसे पहले रिसर्च करें ताकि हमें पता लगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। दूसरी बात ये है कि हमें रिसर्च के काबिल छोड़ा ही नहीं गया, हम रोटी के पीछे सिर्फ लगे हुए हैं, हमें ये पता होता है कि हमने अपने बच्चों को रोटी किस तरह देनी है। सीधी सी बात है कि अगर आप कहते हैं ना हम किसी और चीज़ के बारे में सोचें तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमारी रिसर्च भी कुछ नहीं है। तो हम सुबह से निकलते हैं कि बच्चों के लिए, रिज़क के लिए, और हमें पता है कि शाम को, और आप किसी भी चीज़ के पीछे चलें, इस कदर महंगाई कर चुके हैं, हम किसी और तरफ क्या जा सकते हैं? ये बात तो इसलिए हमारी रिसर्च नहीं है मैम। लेकिन सर पाकिस्तान में चूंकि लिटरेसी रेट की कमी है तो यहाँ पर रिसर्च वर्क की भी बहुत ज्यादा कमी है, हमें किताबी कीला बनाया हुआ है, हमें हम सिर्फ वो चीज देखते हैं जो हमें रटाई जाती है, हमने कभी रिसर्च करने की कोशिश की ही नहीं है। दैट्स व्हाई जो है वो इस वक्त हम तरक्की की राह से बहुत दूर है सर। हम लोग हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पाकिस्तान खुद कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। क्या पाकिस्तान तो देखें, पाकिस्तान तो मुल्क है हमारा, जो यहाँ रहने वाले हैं, जो इसकी हुकूमत में आते हैं, वो अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। वो सिर्फ लूट मार की तरफ लगे होते हैं कि उनको ये पता है कि उन्होंने खाना कहाँ से है, और आपको टैक्सेस लगा के, और वो अपनी जेबें भर रहे हैं। जब अगर वो अपनी जेबें ना भरें इस मुल्क के ऊपर लगाएं तो लाजमी बात है पाकिस्तान आगे जाएगा। सर हुक्मरानों को लाने वाले भी हम लोग ही हैं, तो जैसे लोग वैसे हुक्मरान। आप देखें करप्शन हमारे छोटे लेवल पर भी शुरू हो रही है सर। देखें हुक्मरानों को बेशक लाने वाले हम हैं, पहले हम लोगों को इतना नहीं था कि हम लोगों के इतना मतलब कि जो इमरान खान ने हमें विजन दिया है वो पहले हमें नहीं था कि हम लोग हर एक को सच्चा समझते थे। सिर्फ एक बात मुझे बताएगा, यहाँ पर पेट्रोल की कीमत ज्यादा होती है, यहाँ पर गैस की कीमत ज्यादा होती है, यहाँ पर इवन एक छोटी सी टॉफी है ना 1 रुपए की, उस पर भी टैक्स लगेगा। जब महंगाई होती है हम दुकानों पर रश लगा देते हैं, पता नहीं कल को और महंगाई हो जाए, यही हम बाहर निकल कर आवाज के लिए उठाते, क्यों नहीं धरना देते हम, क्यों नहीं प्रोटेस्ट निकालते हम? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है, बाहर निकल के आप आवाज लगाएं आपको डंडे पड़े, खुदा ने जैसे जिले शाह पिछले दिनों में मर गए एक मासूम आदमी, मुझे किस तरह प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग? हमें ये पता है कि हमारे मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, अब मैं बाहर निकलता हूँ और मुझे पता है ये हुकूमत जो है इसने किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं करना, मार देना, तो मैं कैसे बाहर निकलूंगा? मुझे बताएं, मुझे तो अपने बच्चों की फिक्र, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या प्रोटेस्ट किस तरह करेंगे? यहाँ तो जैसे कोई दूसरे जैसे इंग्लैंड जैसी मुल्क हो कि जहाँ पता चले कि यहाँ ठीक है हमें इस तरह मारा नहीं जाएगा तो बंदा बिल्कुल बाहर निकलता। हम अपने हक के लिए नहीं निकल सकते, हक के लिए बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, निकलना बेवकूफी है इस वक्त।
लेकिन सर अपनी कौम के लिए जब तक हम कौम को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम लोग काम करते हैं अपने जात के लिए, हम कौम के लिए काम नहीं करते। जब तक जब हम कौम को प्रेफरेंस देंगे तो फिर हम लाजिम सी बात है पूरी कौम यकजहत होकर जब बाहर निकलेगी। हुक्मरान को क्यों नहीं उतार सकते? श्रीलंका का क्या हाल था, उन्होंने क्या हाल किया अपने प्राइम मिनिस्टर का? सर आप बजा फरमा रहे हैं, आप देखें जो भी कौम जैसे भी अब जैसे इमरान खान साहब हैं, इनके लोग जब बाहर निकलते हैं आप देख लें इनके साथ क्या हाल होता है, शेलिंग होती है इन पे, इनको मतलब के वाटर कैनन से मारा जाता है, उसमें केमिकल डाल के मारा जाता है जो बताया जाता है, मतलब के मैं खुद तो नहीं गया। जमान पार्क में क्या हुआ है? यही तो हुआ है। अब मुझे बताएं कैसे प्रोटेस्ट करें। अच्छा हमारे साबिक वजीर आजम जिसको गोली लगती है और उसका मतलब किसी किस्म की FIR नहीं होती, तो मैं अपने बारे में क्या सोच सकता हूँ? मैं तो एक कॉमन आदमी हूँ, मेरा क्या बनेगा? मुझे अगर ये मार भी देंगे तो मेरे तो घर वाले ये FIR भी नहीं करवा सकते। साबिक वजीर आजम की FIR नहीं हो सकती तो मेरी कैसे होगी? मुझे तो ये पता है कि मेरे मरने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तो फिर मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ? सर आपकी बात भी ठीक है, बेसिकली हम कश्मीर पे बात कर रहे थे, तो कश्मीर के मुद्दे पे सर आप क्या कहेंगे? कश्मीर के मुद्दे पे जी सुनते आ रहे हैं कि हर हुकूमत ये कहती है कि जी बस मैं अगर आ गया तो कश्मीर को आज़ादी मिलेगी, लेकिन मैम उनका कोई हाल नहीं है। ठीक है कश्मीर मेरा नहीं ख्याल, लेकिन कश्मीर में क्या मौजूदा हुकूमत, मौजूदा हुकूमत कश्मीर के लिए कुछ कर सकती है, वो पहले अपने बारे में अपने लिए सोच ले अच्छे तरीके से। कश्मीर कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में हमारे कश्मीर आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर में जहाँ ये लोग अभी मर रहे हैं उधर हमारे पास जो कश्मीर है, हमारा जो कश्मीर जिसको हम आजाद कश्मीर बोलते हैं, आजाद कश्मीर मैम इसका मतलब वही आपसे अर्ज करूं कि मुझे इतना मतलब खास नॉलेज नहीं है। देखिए अभी हमें अपने कश्मीर के बारे में नॉलेज नहीं है, और हमेशा हमारा यही स्लोगन होता है कि हमने लेकर रहना है कश्मीर। ऐसा क्यों है सर? हमें पता ही नहीं है हमारे कश्मीर में क्या डिफिकल्टीज है, क्या वहाँ पर किस चीज की कमी है, और हम हमेशा अक्वामे मुत्तहिदा में पहुँच जाते हैं ये स्लोगन लगाने की हमें कश्मीर चाहिए। जिन लोगों को चाहिए इस चीज को आगे लेके चलना मैम, हम लोग मैंने वही आपसे अर्ज किया है कि जिन लोगों को चाहिए वही इस काम को तकमील तक नहीं पहुंचा रहे। हम लोग तो एक ही चीज के पीछे लगे हुए हैं, सुबह निकलते हैं बस रोटी के पीछे लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, तो काफी ज्यादा हमें रिव्यूज भी मिले और इंडिया की डेवलपमेंट पर भी बात की गई। इसी के साथ साथ आपसे इजाजत चाहूंगी, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ, लेकिन तब तक के लिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिए। इसी के साथ साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। लेकिन उसको असेंबली उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए सोर्सेज जो चाहिए होते हैं, हमारी आज भी सॉरी आपको कट कर रही हूँ, हमारी आज भी जो रेलवे है वो चुक 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 वो स्पीड है। एक आपको ना मैं वीडियो दिखाती हूँ, आपको एक मिनट बस इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे एक बंदे ने एक वीडियो भेजी थी और कमाल की वो मतलब वीडियो थी, अभी मे भी मुझे ना मिले शायद। ये देखिए इंडियन है, ये उनकी ट्रेन है, आप इधर आए, ये दोबारा से देखिए जरा, ये उनकी ट्रेन है और हमारी ट्रेन देखिए। यही है कि उन्होंने ओल्ड रेलवे को इम्प्रूव किया हुआ है, ये जो उनका ट्रैक है वो ओल्ड है, यानी ओल्ड के ऊपर उन्होंने जो है ना न्यू टेक्नोलॉजी रेलवे जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। हमारी ट्रेन ऐसे चलती है इतनी तेजी से? नहीं, हमारी जो है वो समझे कि उसकी बजट जो है चल रही है, कराची जो जा रही है वो वाली चलती है, लेकिन वो नॉन स्टॉप जाती है, इस वजह से टाइमली अपनी लोकेशन पे चली जाती है। हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो भी मैंने आपको दिखाया, ये कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते।